देखें, जैसा कि हमारा टॉपिक फजूल खर्ची के ऊपर चल रहा है, तो मैं उसी से ताल्लुक में पूछना चाहता हूँ कि फजूल खर्ची में ये जो लोग शादी कार्ड वगैरह छपवाते हैं या फिर इसी तरह से अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कोई लिमिट नहीं रखते वलीमे की दावत में, तो उसका क्या हुक्म है शेख? देखिए, मैंने इसको बहुत जो है वाजे अंदाज में बताया है। इसमें आप पहले नंबर पर तो ये देखिए कि वो जो आदमी जो शादी का कार्ड छपवा रहा है या वलीमे की दावत जो करने वाला आदमी है, सबसे पहले आप उसकी हैसियत देखिए। अगर वो अपनी हैसियत से आगे जा रहा है तो फजूल खर्ची है। दूसरी बात, वो जो खर्चा कर रहा है उसको देखिए, जो खर्चा कर रहा है क्या वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है या जरूरत के दायरे में रहते हुए कर रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा कर रहा है तो हम कहेंगे फजूल खर्ची है, अगर जरूरत के दायरे में कर रहा है तो फजूल खर्ची नहीं है। तो शेख, ये जो शादी कार्ड जो है ये जरूरत में तो नहीं आएगा ना शेख? कैसे? देखिए, जो शरई इस्तेलाह, हम ये जो जरूरत बोल रहे हैं, ये जरूरत उर्दू की इस्तेलाह में, इसको समझिए आप, अरबी वाली शरई इस्तेलाह में नहीं, जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं। शादी कार्ड छपवाना ये शादी की इत्तला देने के लिए हमारे समाज और मुआशरे में उर्फ है, और जाहिर है शादी कार्ड की नौईयत अलग अलग होती है। ऐसे ऐसे शादी कार्ड भी हो सकते हैं कि हो सकता है एक कार्ड में आपका 10,000 रुपया खर्चा है, ऐसा भी हो सकता है और होता है। तो जी शेख, जाहिर इसको है मैंने एक देखा है शादी, जी। हाँ, एक शादी पर, एक कार्ड पर 10,000 रुपये खर्च करना, ये फजूल खर्ची कैसे नहीं होगी भाई? आप ठीक है, आप एक साहिब हैसियत आदमी हैं, आप खूबसूरत सा महंगा सा कार्ड छपवाइए, लेकिन उस महंगे का मतलब ये नहीं है कि ऐसा छपवाइए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जी, तो शेख इसमें यही होता ना कि एक आदमी है जो साहिबे माल है, लेकिन उसका मामला ये होता कि जो कार्ड हमें 10 रुपए में भी मिल सकता है, वही कार्ड में अपना नाम ऊंचा करने के लिए 300 में 500 में एक कार्ड ही छपवाते हैं, तो ये फजूल खर्ची में नहीं आएगा? बिल्कुल फजूल खर्ची है, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है। मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताता हूँ, जो मुशाहदा मेरा, मैंने अरबों के यहाँ देखा है, सऊदिया वगैरह के अंदर मैंने उनके शादी के कार्ड देखे हैं। कई दफा हमारे पास आते थे, तो हमारे यहाँ जो विजिटिंग कार्ड नहीं होता है, विजिटिंग कार्ड या विजिटिंग कार्ड जी से थोड़े से बड़े साइज का या उसी साइज का, उनके यहाँ शादी का कार्ड मैंने देखा, बड़े बड़े अमीरों को, और उसके उसमें फकत ये लिखा होता है कि फला की शादी हो रही है, फला तारीख को फला जगह पर आपकी दावत है, बस। हो सकता है वो कार्ड हमारे यहाँ 2, 3, 4, 5 रुपए में या उससे भी कम में छप जाए। ये जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी हो गई, क्या जरूरत है लंबा चौड़ा बड़ा सा कार्ड, महंगा कार्ड? भाई वही काम आप, वही पैसा आप किसी अच्छे काम में लगाइए, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जी तो दानिश भाई, उसमें उम्मीद है आपके उर्दू सवाल का का जवाब कोई हो गया। हुक्म नहीं उसमें, शेख, तो जो यही हुक्म तो वलीमे पर भी लगेगा ना शेख? जैसे जब हमें मालूम है कि एक चीज, एक तरह का पकवान हम बनवा के खिला सकते हैं, उससे हमारा वलीमा हो जाएगा, लेकिन ठीक यहाँ है पर अगर ठीक, 10 तरह के पकवान बनाकर हम खिलवा रहे हैं लोगों को, तो ये भी तो एक तरह की फजूल खर्ची होगी ना शेख? हाँ। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे समझिए, असल में जो जाप्ता मैंने जिक्र किया उसको आपने शायद गौर से सुना नहीं। मान लीजिए से असल में ना ये सब सवालात क्या है कि इन सवालों के जवाब अगर वो आपकी स्टार्टिंग में जो वलीमे से मुताल्लिक या इन सारे उसमें आपने जो ओपनिंग कमेंट्स दिए हैं ना, अगर वहां सुना जाए तो ये हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ स्ट्रीम के जरिए से उनको इस्लाह नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं एक जनरल बात की ये चीज फजूल खर्ची में आती है या नहीं आती है। तो शेख ने बजाहिर कितनी मरतबा ये बात बता चुके हैं कि जी जी शेख, जरूरत उसी से ज्यादा से एक खर्च मिलता करना। जुलता एक दूसरा सवाल मेरा है शेख। जैसे एक औरत है, वो दानिश भाई, बस आपके बस कम से कम 3 सवाल का हल यहाँ शेख ने आपको जिक्र किया, ये इस मुख्तसर था, प्रोग्राम के लिए है। मुख्तसर और है प्लीज कैसी, दानिश भाई, क्या है ना कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है असल में और शादी कई से ही लोग ताल्लुक है का शेख, अगर मुनासिब हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आज संडे प्लीज से, कल कल अगले या तो परसों इवनिंग भेज है, दो। इंशाल्लाह संडे से हम लोग, कल कौन सा दिन है? कल तो कल मेरा इवनिंग नहीं है, जुमेरा, इंशाल्लाह हम लोग संडे टू वेडनेसडे, इन 4 दिन के अय्याम में आप कभी भी आए, इंशाल्लाह आपके और सवाल का आप जवाब शुरू देंगे। शुरू स्ट्रीम में आए, शुरू स्ट्रीम में, तो
असल से क्या है, शुरू में हम इसलिए नहीं आ पाते, यहाँ पर नमाज का टाइम रहता, 40 मिनट हमारा नमाज में चला जाता, हम सिर्फ 20 मिनट में पहुंच पाते शेख, यही मसला है मेरे साथ। शुक्रन बारकल्ला फिक। बहरहाल हम ये नहीं बोल सकते आप नमाज पढ़ करके आए, आप इहतमाम करके आए, इंशाल्लाह आप सवाल भेज दिया करें या प्राइवेट चैट में रख दिया करें, इंशाल्लाह हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे।